टोयोटा मोटर्स जल्द ही अपने पॉपुलर एमपीवी इनोवा क्रिस्टा का एक न्यू जनरेशन ग्लोबली लॉन्च करने वाले हैं, जिसको टोयोटा वाले अगले महीने यानी कि नवंबर 2022 को ग्लोबली रिवील करने वाला है। और इस न्यू इनोवा हाईक्रॉस की सेल 2023 से चालू होने वाली है। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि इनोवा हाईक्रॉस को टेस्ट किया जा रहा था, पर उस गाड़ी के बॉडी को पूरी तरह से कवर किया गया था। इस वजह से उसके डिजाइन के बारे में तो कोई भी आइडिया अभी तक नहीं है, पर अगर ओवरऑल देखें तो इस इनोवा हाईक्रॉस की लेंथ और विड्थ करंटली जो इनोवा क्रिस्टा आ रही है उससे तो ज्यादा ही इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही ज्यादा देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इसमें न्यू डिजाइन वाले बड़े अलॉय व्हील्स और इंटीरियर में एक बड़ी सी फ्लोटिंग टच स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब इसके साइज के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, पर जो करंटली इनोवा क्रिस्टा सेल हो रही है उससे तो इसकी साइज काफी बड़ी लग रही है। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ये एक ग्लोबल मॉडल रहेगा जिसकी सबसे पहले सेल शुरू होगी इंडोनेशिया में, जिसका इंडोनेशिया में नाम रहेगा इनोवा जेनिक्स। अब बात करते हैं कि टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में कौन से फीचर्स हमें मिल सकते हैं। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ, मल्टीपल यूएसबी पोर्ट्स, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एम्बिएंट लाइट और एक बड़ी सी फ्लोटिंग टच स्क्रीन, ये कुछ हमें फीचर्स इसमें मिल सकते हैं। करंटली जो इनोवा क्रिस्टा इंडिया में सेल हो रही है वो लैडर ऑन फ्रेम आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और उसमें रियर व्हील ड्राइव का सेटअप मिलता है। पर वहीं पे अगर हम बात करेंगे टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की तो ये बेस्ड होगी एडवांस मोनोकॉक सेटअप पे, जो कि बहुत ही लाइट वेट होता है और जिसकी मदद से हमें अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। और यही सेम प्लेटफॉर्म पे करंट जनरेशन की जो कोरोला है वो भी इसी सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। और साथ ही साथ इनोवा हाईक्रॉस में फ्रंट व्हील ड्राइव का सेटअप मिलेगा। बात करेंगे इंजन ऑप्शंस की तो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में हमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जिसके साथ हमें टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, जो कि हमें करंटली हाईराइडर में देखने को मिलती है। डीजल इंजन का ऑप्शन शायद हमें इनोवा हाईक्रॉस में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी को टोयोटा वालों का सिर्फ पेट्रोल में ही लॉन्च करने का प्लान है। और रही बात इनोवा क्रिस्टा की तो अकॉर्डिंग टू टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के साथ साथ वो इनोवा क्रिस्टा को भी सेल करने वाले हैं, पर शायद वो इनोवा क्रिस्टा के पेट्रोल ऑप्शंस को डिसकंटिन्यू करके सिर्फ डीजल में ही सेल कर सकते हैं। तो यही कुछ अपडेट्स थी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस 2023 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।